पुस्तक का नाम जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। शीर्षक है हमारा जीवन लक्ष्य आत्मदर्शन। मनुष्य जीवन का भी अपना एक लक्ष्य है। खाने कमाने और मौज मजा करने तक ही उसका जीवन सीमित नहीं, सामाजिक आर्थिक शारीरिक राजनीतिक सीमा बंधनों तक ही उसका जीवन बंधा नहीं। जन्म से मृत्यु तक की एक निश्चित अवधि सुख दुख लाभ हानि मान अपमान की परिस्थितियां यह सोचने को विवश करती हैं कि मनुष्य जिस दिशा में चल रहा है यही उसकी दिशा नहीं है। उसकी सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता यह बताती है कि मनुष्य कोई विशेष लक्ष्य लेकर इस धरती पर अवतरित हुआ है। विशाल अंतरिक्ष गगन स्पर्शी पर्वत सुदूर तक विस्तृत सागर सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सभी इंगित करते हैं कि इस जीवन से भी आगे कुछ है। अशांति दुख और क्षोभ का कारण यही है कि हमें आत्मज्ञान नहीं, अपने लक्ष्य का भान नहीं है। यह अस्थिरता तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य अपना लक्ष्य नहीं जानता, अपने मौलिक स्वरूप को नहीं पहचानता। इस संसार में अनेकों प्रकार के जीव जंतु कीट पतंगे पशु पक्षी और मनुष्यतर प्राणी विद्यमान हैं। कई शारीरिक शक्ति में बड़े हैं, कई सौंदर्य में, कितनों ने प्राण शक्ति के आधार पर अनेक प्राकृतिक घटनाओं का पूर्व आभास पा लेने में अजीब क्षमता पाई, तो कई स्वच्छंद विचरण के क्षेत्र में आज के ज्ञान युग से भी अधिक पटु हैं, किंतु एक साथ सारी विशेषताएं किसी को भी उपलब्ध नहीं। शारीरिक मानसिक बौद्धिक और अनेक आत्मिक संपदाएं मनुष्य में ही विद्यमान दिखाई देती हैं। मानव जीवन की इस सुव्यवस्था को देखते हैं तो यह लगता है कि यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है। एक ही स्थान पर अनेक शक्तियों का केंद्रीकरण निश्चय ही अर्थपूर्ण है। मनुष्य को औरों की अपेक्षा अधिक बुद्धि विद्या बल और विवेक मिला है, यह बात तो समझ में आती है, किंतु इन शक्तियों का संपूर्ण उपयोग बाह्य जीवन तक ही सीमित रखने में उसने बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया। अपने ज्ञान विज्ञान को शारीरिक सुखोपभोग के निमित्त लगा देने में उसने धोखा ही खाया है। दुखों का कारण भी यही है कि हम अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते। नाशवान शरीर और इंद्रिय जन्य विषयों की पूर्ति के गोरख धंधों में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं और अंत समय सारी भौतिक संपदाएं यहीं छोड़कर चल देते हैं। इस कटु सत्य को अनुभव सभी करते हैं, किंतु अंतरंग कक्षा में प्रवेश होने से दूर भागते हैं। कभी यह विचार तक नहीं करते कि इस विश्वव्यापी प्रक्रिया का कारण क्या है, हम क्या हैं और जीवन धारण करने का हमारा लक्ष्य क्या है। ढेर सारी संपदाएं मिली हैं इसलिए कि उनका उपयोग अंतर्दर्शन के लिए किया जाए। अपने को भी नहीं पहचान पाए तो इस शरीर का बौद्धिक शक्तियों का क्या सदुपयोग रहा। मैं और मेरा शरीर दो भिन्न वस्तुएं हैं, एक करता है दूसरा कर्म, एक क्रियाशील है दूसरा जड़, एक सवार है दूसरा वाहन। मानव जीवन तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए शरीर आत्मा का वाहन मात्र है। दोनों की एक रूपता का कोई आधार समझ में नहीं आता। यदि ऐसा होता तो मृत्यु के उपरांत भी यह शरीर क्रियाशील रहा होता। खाने पीने उठने बोलने चलने फिरने और जीवन के अनेक व्यवसाय वह उसी तरह संपन्न करता जैसे जीवित अवस्था में। तब फिर उचित यह प्रतीत होता है कि अपने कर्तापन का ज्ञान प्राप्त करें। वह अपने वाहन को तरह तरह के रंगीन लुभावने वस्त्राभूषणों से सजाते घूमे और आत्म तत्व उपेक्षित पड़ा रहे तो इसे कौन बुद्धिमत्ता की बात मानेगा। घोड़ा घास खाए और सवार को पानी भी ना मिले तो फिर यात्रा का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ। आत्मा की सिद्धियां अनंत हैं। स्वर्ग मुक्ति और विराट के दर्शन का केंद्र बिंदु आत्मा है। वह अनंत सामर्थ्यों का स्वामी है। इन्हें प्राप्त कर मनुष्य अणु से विभु लघु से महान बंधन मुक्त बनता है, किंतु आत्मानुभूति किए बिना यह सब संभव नहीं। अपने नीचे की जमीन में ही असंख्य मन सोना चांदी हीरा जवाहरा जमा हो और उसका ज्ञान न हो तो उस बहुमूल्य खजाने एवं मिट्टी के ठीकरों में भला क्या अंतर रहा। अपनी तिजोरी में रखी हुई पिस्तौल दुश्मन को नहीं मार सकती,
जिस शक्ति का हमें ज्ञान ही ना हो उसका प्रयोग में कैसे लाया जा सकता है। आत्मदर्शन भारतीय संस्कृति का प्राण है। यहाँ समय समय पर जो भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने आत्मज्ञान पर ही अधिक जोर दिया है। संपूर्ण वैदिक वांग्मय इसी से ओतप्रोत है। जीवन के प्रत्येक व्यवसाय से अंतरदर्शन की बात अवश्य जोड़ दी गई है ताकि मनुष्य भौतिक जीवन जीते हुए भी आत्म तत्व से विस्मृत ना रहे, अपने जीवन उद्देश्य को कभी भी ना भूले। इसी पर सब मनुष्यों ने देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न रूप से बल दिया है। सभी महापुरुषों, ऋषियों, संतों और लोकनायकों ने मनुष्य को दुख और विनाश की परिस्थितियों से ऊंचा उठाने के लिए आत्मिक ज्ञान पर अधिक बल दिया है। भारतीय जीवन में भौतिक संपदाओं की अवहेलना का भी यही अर्थ है। मानवीय चेतना अपने मूल स्वरूप को पहचानने की दिशा में सतत आरूढ़ रहे। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अलौकिक और दिव्य है। उसकी अंतिम अवस्था धर्माचरण और ईश्वर साक्षात्कार है। यह ईश्वर के माध्यम से ज्ञान और प्रयत्न करने से मिलती है। शरीर को जब एक विशिष्ट उपकरण मानकर इंद्रियों की दासता से ऊपर उठते हैं तो स्वयं ही आत्मानुभूति होने लगती है। जो आदमी इस सत्य को गहराई तक अपने हृदय में बिठा लेता है वह नाशवान वस्तुओं के अनुचित मोह को त्याग कर आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि अनात्म तत्वों से उसकी रुचि हटने लगती है। विचारों और व्यवहारों में पवित्रता उत्पन्न होती है। जितना वह आत्म साक्षात्कार के समीप बढ़ता है उसी अनुपात में दैवी गुणों का उसमें समावेश होता चलता है। फलस्वरूप सच्चे सुख, शांति और संतोष के परिणाम भी सामने आते रहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उपकरणों या अधिक से अधिक स्कूली शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्यों या विशेषताओं की विवेचना कर सके वह आत्मज्ञानी हो सकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आदत बनानी पड़ती है। यह कार्य ऐसा नहीं जो हर किसी से किया ना जा सके। अपनी भूलों, त्रुटियों और आदत में प्रविष्ट बुराइयों को अपने में दृढ़ता पूर्वक खोजना और उन्हें दूर हटाना हर किसी के लिए संभव है। सन्मार्ग पर चलते हुए रास्ते में जो अड़चने, बाधाएं और मुसीबतें आती हैं उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करते रहने से अपनी समस्त चेतना का रुख आत्मा की ओर उन्मुख होने लगता है। जैसे बंदूक की गोली को शक्तिपूर्वक दूर तक पहुंचाने के लिए उसे छोटे से छोटे दायरे से गुजारा जाता है, वैसे ही अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देने से उधर ही आशातीत परिणाम दिखाई देने लगते हैं। जब तक अपनी मानसिक चेष्टाएं बहुमुखी होती हैं तब तक विपरीत परिस्थितियों से टकराते हैं, किंतु जब एक ही दिशा में दृढ़ता पूर्वक चल पड़ते हैं तो ध्येय प्राप्ति की साधना भी सरल हो जाती है। किसी विषय को जब तक मनुष्य भली भांति समझ नहीं लेता तब तक उससे झिझकता रहता है। घने अंधकार में जाने से सभी को भय लगता है, किंतु यदि उसी अंधकार में जाने के लिए हाथ में मशाल दे दी जाए तो अज्ञानता का भय अपने आप दूर हो जाता है। आत्मिक ज्ञान के प्रति भय तथा उपेक्षा और उदासीनता का कारण यही होता है कि अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, अनंत शक्तियों का केंद्र होते हुए भी मनुष्य इधर से जितना उदासीन रहता है उतना ही दुख और अभाव से घिरे रहते हैं। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य रहा होता तो इसके लिए बुद्धि की चैतन्यता, एकाग्रता एवं जागरूकता ही पर्याप्त थे, किंतु आत्मज्ञान का संबंध समस्त प्राणी मात्र में सहानुभूति करने से होता है। अपने क्रिया व्यापार को जब तक अपने आप तक सीमित रखते हैं तब तक इस परम तत्व का ज्ञान पाना असंभव है। स्वार्थ की संकीर्ण प्रवृत्ति ही है जो मनुष्य को सत्य का आभास नहीं होने देती, किंतु जब परमार्थ बुद्धि का समावेश होता है तो सारी ग्रंथियां स्वयमेव खुलने लग पड़ती हैं। जिस प्रकार अस्वच्छ शीशे में सूर्य की किरणों का परावर्तन नहीं होता
वैसे ही स्वार्थपूर्ण अंतःकरण बनाए रखने से आत्मानुभूति संभव नहीं। इसलिए अपने आप को दूसरों के हित एवं कल्याण के लिए विकसित होने दीजिए। दूसरों के दुखों के दुख दर्द जिस दिन से आपको अपने लगने लगें, उसी दिन से आपकी महानता भी विकसित होने लगेगी। सभी के साथ प्रेम, मैत्री, सहयोग, सहानुभूति का स्वभाव बनाने से आत्मज्ञान का प्रकाश परिवर्तित होने लगता है। गीताकार ने लिखा है, नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात आत्मवादी पुरुष का लक्षण है लोक हितार्थ कर्म करना, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों में स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। सभी विश्व चेतना के ही अंग हैं, फिर किसी के प्रति परायपन का भेदभाव क्यों करें? अपने ही सुखों को प्रधानता देने में जो क्षणिक आनंद अनुभव कर इसी में लगे रहते हैं, उनसे यह आशा नहीं रखी जा सकती कि वे आत्मोद्धार कर लेंगे। पर जिसे अपना मानव जीवन सार्थक बनाना है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उसके लिए उचित है कि वह खुले मस्तिष्क से सभी में अपने आप को ही रमा हुआ देखें। ऐसी अवस्था में किसी को दुख देने या उत्पीड़न करने की भावना भला क्यों बनेगी? आत्मज्ञान और आत्मानुभूति के मूल उद्देश्य को लेकर ही हम इस संसार में आए हैं। मानव जीवन की सार्थकता भी इसी में है कि वह अपने गुण, कर्म और स्वभाव में मानवोचित सदाचार का समावेश करे और लोक हित में ही अपना हित समझे। मनुष्य एक विषय है तो संसार उसकी व्याख्या। अपने आप को जानना है तो संपूर्ण विश्व के साथ अपनी आत्मीयता स्थापित करनी पड़ेगी। आत्मा विशाल है, वह एक सीमित क्षेत्र में बंधी नहीं रह सकती। संपूर्ण संसार ही उसका क्रीड़ा क्षेत्र है। अपनी चेतना को भी विश्व चेतना के साथ जोड़ देने से आत्मज्ञान का प्रकाश स्वतः प्रस्फुटित होने लगता है। इस प्रकार जब मनुष्य सांसारिक तथा इंद्रिय जन्य परतंत्रता से मुक्त होने लगता है, तो उसकी महानता विकसित होने लगती है। आत्मा की स्वतंत्रता परिलक्षित होने लगती है। आत्मबल का संचार होने लगता है। स्वभाव में पवित्रता और प्रफुल्लता का वातावरण फूट निकलता है। आत्मा की गौरवपूर्ण महत्ता प्राप्त कर मनुष्य का इहलोक और पारलौकिक उद्देश्य पूरा हो जाता है। अपने लिए भी यही आवश्यक है कि हम अपनी इस प्रसुप्त महानता को जगाएं। इसके लिए आज से ही अभी से लग जाएं, ताकि अपने अवशेष जीवन का सच्चा सदुपयोग कर सकें। शीर्षक, जीवन उद्देश्य से विमुख ना हो। इस अनादि और अनंत काल के शाश्वत प्रवाह में ना जाने वह कौन सा अभागा क्षण था जो मनुष्य को छूकर निकल गया। फलस्वरूप मनुष्य ने भोग भावना की उपासना को अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित कर लिया। क्या मनुष्य का जीवन लक्ष्य भोग वीथियों में भटकते रहना हो सकता है? किसी प्रकार भी तो यह विश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा रहा होता तो मनुष्य का निर्माण भी उसी प्रकार का हुआ होता जिस प्रकार अन्य पशुओं का। ना उसमें बुद्धि होती, ना विवेक और ना ही आध्यात्मिक चेतना का विकास। संसार का यह सर्वगुण संपन्न प्राणी मनुष्य भी यदि जीव जंतुओं की भांति ही भोजन, आवास, निद्रा और मैथुन में रत रहकर ही सारा जीवन बिताता और मरकर चला जाता, तो फिर उसमें अंतर ही क्या रह जाता है? प्राणियों के बीच एक दूसरे से उनकी विशेषताओं की भिन्नताओं के पीछे निश्चित ही कुछ अर्थ और कुछ उद्देश्य निहित रहता है। परमात्मा की यह विशाल, व्यापक, नियमित तथा व्यवस्थित सृष्टि किसी बाजीगर का निरुद्देश तमाशा भर नहीं है, और ना यह बालू से खेलते अबोध बच्चों की क्रीड़ा है कि वे मिट्टी से विविध प्रकार के आकार प्रकार बनाते और यूं ही कौतूहलवश बिगाड़ते रहते हैं। गाय बैलों के सिर सींग, शेर के पंजे, हाथी की सूंड, वराहा के वीर और पक्षियों के डैने होना अपने पीछे एक सार्थक मंतव्य रखते हैं। यह यूं ही निरर्थक की उपज एवं विभिन्नता नहीं है,
यह बात दूसरी है कि हमारी मोटी बुद्धि इसके सूक्ष्म उद्देश्यों को पूरी तरह समझ सकने में समर्थ ना हो सके। व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिष्कृत वाणी, बोलने और समझाने का गुण, सामाजिक पारस्परिक सहयोग, सौंदर्य, साहित्य, सहानुभूति, चिकित्सा, वाहन, मनोरंजन, न्याय, गृह, वस्त्र एवं आजीविका की सुविधा आदि की जो विशेषताएं मनुष्य को मिली और अन्य जीव जंतुओं को नहीं मिली, परमात्मा के इस अनुग्रहाधिक्य का यह अर्थ तो कदापि नहीं हो सकता कि मनुष्य अपना जीवन इन विशेषताओं एवं सुविधाओं, इन पुरस्कारों एवं उपहारों को यूं ही मिट्टी में मिलाकर अन्य पशुओं की तरह ही अपना जीवन बिताए और मर जाए। अवश्य ही मनुष्यों का जीवन उद्देश्य अन्य जीव जंतुओं से भिन्न होना निर्धारित है। मनुष्य जीवन पद्धति की यह भिन्नता एक सोद्देश्य जिंदगी, एक ऊंची और परिष्कृत जिंदगी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। मानव जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वह शरीर की संकीर्ण परिधि से बाहर निकलकर व्यापक विभू की ओर बढ़े, नीचे स्तर से उठकर ऊपर अनंत की ओर अभियान करे। यदि वह सर्वगुण संपन्न इस मनुष्य जीवन जैसे अलभ्य अवसर को पाकर भी अपनी आत्मा की संकीर्णता के कलुष से मुक्त करने का प्रयत्न ना करे, तो यही मानना पड़ेगा कि हमने इस पावन प्रसाद का ना तो समुचित मूल्यांकन ही किया है और ना परमात्मा की कृपा का समादर। इस मनुष्य शरीर को पशुओं जैसा यापन कर उसी श्रेणी का सिद्ध करने का अनुचित अपराध किया। आत्मकल्याण, आत्ममुक्ति एवं आत्मविस्तार की साधना में निरत रहकर न केवल यही एक अलभ्य अवसर खो दिया, वरन आगे के लिए भी अपनी पात्रता असिद्ध कर दी और पुनः लाखों करोड़ों वर्षों के लिए 84 लाख योनियों के कारावास की भूमिका तैयार कर ली। शारीरिक वासनाओं की संकरी तथा असाध्य विधियों से निकलकर यदि कुछ देर के लिए भी मन को मुक्त कर संसार के विस्तार तथा व्यापकता पर दृष्टिपात किया जाए, तो कोई कारण नहीं कि यह अनादि से लेकर अनंत तक फैला हुआ नीलाकाश, इसमें अवस्थित असंख्यों प्रकाशमान ग्रह, नक्षत्र, चांद एवं सूरज अपनी दिव्यता से हमारे उन्नत एवं व्यापक अभियान में सहायक ना हो। कोई कारण नहीं कि इनका दर्शन, इनका विचार कुछ देर के लिए भी हमारे हृदय में व्यापकता की अनुभूति उद्बुद्ध ना करे और हम इनके बीच अपने अंदर इन्हीं जैसी महानता तथा व्यापकता को अनुभव ना करने लगें। किंतु कहाँ, हम तो भोगों के रोगों से ग्रस्त अपने चारों ओर वासनाओं तथा ऐषणाओं के कारा निर्मित किए अपने को कालकोठरी का बंदी बनाए पड़े हैं। हमें अवकाश ही कम मिलता है कि हम संकीर्णताओं से निकलकर इस अपार्थिव वैभव, इस व्यापक विभूति से तादात्म का प्रयास करें। ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध और मोह आदि आत्मविरोधियों का संग कर हम निवीण अंधकार में भटक कर अपने इस महान उद्देश्य की ओर से उदासीन होकर मनुष्य से पशु बने पड़े हैं और एक क्षण को भी यह सोचना नहीं चाहते कि अवसर निकला जा रहा है और हम अंत में पश्चाताप की अग्नि में जलने के लिए चूके जा रहे हैं। नित्य प्रति सूर्योदय के समय से एक नया दिन आरंभ होता है और सूर्य अस्त होने तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नित्य ही आयु से एक मूल्यवान दिन कम हो जाता है। हम कभी नहीं सोचते कि हमने जिस दिन इस धरती पर जन्म लिया उसी दिन से जीवन का ह्रास आरंभ हो गया। बड़ी तेजी से क्षण अनुक्षण श्वास प्रश्वास के साथ अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उस अंत की ओर जिसकी स्थिति अथवा अवस्था का कोई आभास हमारे पास नहीं है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए मिला हुआ यह छोटा अवसर, यह गिना चुना समय यों ही व्यर्थ में नष्ट हुआ जा रहा है और हम उसके लिए कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हम नित्य ही जन्म, मृत्यु, जरता, क्षरता, रोग, शोक, आपत्ति, विनाशकाल एवं अकाल मृत्यु के विचार, प्रेरक तथा जगह देने वाले दृश्य देखते सुनते ही रहते हैं, किंतु हमारे कानों पर जूतक नहीं रेंगती।
विषय वासनाओं, कामनाओं, ईर्ष्याओं, भोग तथा लोलुपता ने हमें इस सीमा तक मोहग्रस्त बना दिया है कि हम विचार, विवेक और बुद्धि के रूप में अंधे ही हो गए हैं। सांसारिकता के प्रमाद में इस सीमा तक विस्मृत हो गए हैं, डूब गए हैं कि एक आध घड़ी एकांत में बैठकर विचार कर सकें कि हमको यह विचित्रता पूर्ण मानव शरीर क्यों मिला, इसका उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार की कल्याणकारी भावना, जिज्ञासा अथवा उत्सुकता की चेतना से हम सर्वथा अपरिचित ही हो गए हैं। एक तिनके की तरह हम चेतनाहीन होकर समय के प्रवाह, विकृतियों के वेग में संसार की अबूझ परंपरा, जन्म लेना, जीना और मर जाना के साथ बहे चले जा रहे हैं। इंद्रिय भोग, पदार्थ, पूजा, अधिकार, पुत्र, कलत्र, धन, धान्य आदि दायित्व एवं परतंत्रता जन्य वस्तुओं को लक्ष्य बनाकर दिन रात इन्हीं में मरते खपते चले जा रहे हैं। जब अंतकाल आता, चेतना जागती और बुद्धि प्रश्न करती है, तब हम अपनी भूल समझते और छटपटा उठते हैं, किंतु तब तक जीवन की हाट उठने लगती है और हम उस सबको ज्यों का त्यों यथा स्थान छोड़कर खाली हाथ मलते हुए किसी अनजान दिशा की ओर चल देते हैं। वह कुछ भी ना तो हमारे साथ जाता और ना काम ही आता है, जिसका हमने सुर दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट करके बड़े उत्साह से संचय किया था। विशाल वैभव, अपार धन धान, पुत्र कलत्रादिक संचय तथा संसार की सारी परिस्थितियां हमारे सामने बनी रहती हैं, जिनको हम अपना कहते और जिनके लिए प्राण देते रहते हैं, कोई भी काम नहीं आते। हम अपनी मोहमयी भूल के पश्चाताप में जलते हुए परवशता के परों से बंधे उड़ ही जाते हैं। उस समय की वह व्याकुलता, वह व्यग्रता और शोक संताप या तो वह ही समझ सकता है जो भुक्त भोगी रहा है, अथवा वह समझेगा जो आज उसी भूल का प्रतिपादन करता हुआ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं समझता। जीवन के प्रति विश्वास एवं आस्था रखना अच्छी बात है, तथापि जिंदगी कितनी ही लंबी और विश्वास पूर्ण क्यों ना हो, जीवन लक्ष्य की महानता को देखते और संसार की नश्वरता को समझते वह सदैव छोटी तथा अविश्वस्त ही है। इसका एक एक क्षण मूल्यवान है, हर बीते हुए क्षण की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, किसी आए हुए क्षण को व्यर्थ नहीं किया जा सकता। लक्ष्य की दिशा में ही उपयुक्त किया हुआ क्षण हमारा सार्थक तथा सहयोगी हो सकता है, अन्यथा जीवन के 50-100 साल क्या हजार और लाख लाख वर्ष भी निरर्थक एवं निरुपयोगी ही सिद्ध होते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को ही उन्नति और सफलता का प्रतीक मान लेता है, किंतु मनुष्य शरीर, बल, बुद्धि, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य अथवा पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में क्यों ना हिमालय की तरह ऊंचा और सागर की तरह गहरा हो जाए, किंतु जब तक उसमें आत्म संपदा का अभाव है, आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है, तब तक वह निर्धन तथा निम्न कोटि का ही माना जाएगा। आत्मोन्नति एवं आध्यात्मिक उपलब्धि ही वह वास्तविक उन्नति एवं विकास है, जिसे प्राप्त कर यह मानव जीवन धन्य तथा सार्थक होता है। भौतिक विभूतियों की चमक मरुस्थल की उस मरीचिका से अधिक कुछ भी तो नहीं है, जो कि आकर्षक तो बहुत होती हैं, किंतु ना तो आत्मा की प्यास बुझा सकती हैं और ना हृदय को संतोष दे सकती हैं। यह बात सोचना समझना भूल होगी कि मानव जीवन में भौतिक पदार्थों का कोई मूल्य या महत्व नहीं है। मनुष्य का शरीर पार्थिव है, उसे चलाने अथवा बनाए रखने के लिए भौतिक पदार्थों की नितांत आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र तथा निवासादिक आवश्यकताओं की आपूर्ति में जीवन चलना ही कठिन हो जाता है, किंतु इनका महत्व केवल उस सीमा तक ही है कि ये मानव जीवन के उद्देश्य की पूरक मात्र ही बनी रहें, स्वतः लक्ष्य ना बन जाएं। शरीर रक्षा एवं अपने जीवन की असुविधा दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपार्जन एवं इनकी प्राप्ति में आवश्यक समय तथा श्रम देने के
उपरांत जो शक्तियां और जो अवसर शेष है बचे उन्हें परम लक्ष्य की ओर जाने में ही लगाना बुद्धिमानी है। भौतिकता के साथ अपना समग्र जीवन बेच देने का अर्थ यही होगा कि हम अपने उद्देश्य की दिशा से भटककर गलत रास्ते पर चल निकले हैं। जो साधन था वह हमारा साध्य बन गया है। ऐसी दशा में यथाशीघ्र अपना सुधार कर लेना ही कल्याणकारी माना जाएगा। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी रचना के चरमोत्कर्ष लक्ष्य तक तब ही पहुंच पाता है जब वह अपने अभिलेखन में कला एवं सौंदर्य का समुचित समन्वय कर लेता है। कला विहीन सुंदर रचना अथवा कलापूर्ण असुंदर रचना दोनों ही अपने में अपूर्ण एवं अवांछनीय होने से कलाकार को अपने चरमोत्कर्ष के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाती। उसी प्रकार भौतिक एवं आध्यात्मिकता का समुचित समन्वय ही मनुष्य को उसके आत्मोत्कर्ष के लक्ष्य तक ले जा सकता है। यदि कोई भौतिक आवश्यकता की सर्वथा उपेक्षा कर आध्यात्मिक चिंतन अथवा साधना में लगा रहे तो आवश्यकताओं की पीड़ा से उसका चित्त अस्थिर रहेगा और शरीर जवाब दे देगा, जिसका फल अनानुभूति के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार की आध्यात्मिक साधना उसके लिए मृत्यु की तरह कष्टदायक बन जाएगी। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक साधना से विरत होकर केवल भौतिक भोगों की ही उपासना की जाती रहे तो भी मानवीय लक्ष्य दूर से दूरतर होता चला जाएगा। दोनों का समुचित समन्वय ही उद्देश्य पूर्ति का कारण बन सकता है, जिसका अनुपात कम से कम 25 और 75 का ही होना चाहिए। उससे कम अनुपात में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न एवं प्रतीक्षा करनी होगी।